आ गए आप तो कैसे आप लोग, खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, और हाँ ये वीडियो देखने से पहले एकदम सख्त लौंडे हो जाओ, पिघलना बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर भी किसी की वखी में से हासा निकल आया तो आपने ये वीडियो को लाइक करके किसी एक दोस्त मोहब्बत के साथ शेयर लाजमी करना। बुजुर्गों दोस्तों मोहब्बतों सहेलियों थोड़ा इधर करो ध्यान, लंडे दा माल सोड़ पे सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहाँ थे हम, हाँ हंसना मना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने हमसाय मुल्क की मोस्ट अंडररेटेड सेलिब्रिटी के बारे में, जो कि ना सिर्फ एक्टर मॉडल राइटर बल्कि डायरेक्टर भी खुद ही है। ओ भाई इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, और उम्मीदन शदीदन आपने इसको पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं क्या सी ना हल्के में इसको बिल्कुल नहीं लेना, और क्रिएटिविटी का लेवल चेक करे हो पूरी ऑस्कर विनिंग है। अगर कोई होता गरीबों को ऑस्कर तो इसको जरूर मिलता है, और ऐसा ही होता है जब आप ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हो तो दिखाते हैं ये है और देते ये, और ये है कि नहीं इस तरह की बेशुमार ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें इसने रच के बेड़ा गड़ा किया, और इन्हू जिंदगी में छोड़ के काम भी नहीं। चलो मोबाइल तक तो ठीक था, मगर इसको इंटरनेट का कनेक्शन किसने दिया बताओ। और मजे की बात यह है कि इंस्टाग्राम पर इसके 11,000 फॉलोअर हैं, और ये बाजी पॉइंट भी इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर से कुछ याद आया, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो चलो यार कोई नहीं इतना तो चलता। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल हर ऐड़ा गहरा मानू खाना इन्फ्लुएंसर बनया हुआ है। और इससे बढ़कर ये गंगना आंटी का फैन है, और कोई आम फैन नहीं वाला फैन है। इसी से इंस्पायर होकर हैशटैग विलेज इन्फ्लुएंसर के नाम पर ये वायरस दिखाया जा रहा है, जिसको देखकर बस मैं यही कहूंगा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बंदा इनू पा लम्बे लावे फिर बिठा के पूछे बीबी तेनू केड़ा ऐसा कीड़ा तंग करता है, और इनू कटवा के उन्हीं देंदी। अगर तेरे को ए कपड़े नहीं आए तो जान दे, मगर आफ्टर आर विलेज इन्फ्लुएंसर के नाम से बगैर दी ते कर दी हुई। और बस यही नहीं है, पत्तों के साथ भी ऐसा ऐसा सलूक करता है कि वो बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, वो भी दिल ही दिल में इसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। मेरी महकमा जंगलात वालों से गुजारिश है कि भाई तुहाड़ी मेहरबानी है जंगलात की हिफाजत करे, और इसे फौरन चिड़ियाघर में एक अलग पिंजरे में रखा जाए, क्योंकि जानवर भी इसके साथ रहना यकीनन पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये कभी बाबा की परी, कभी बारबी डॉल, कभी प्रीशियस पर्ल, और कभी तो साइलेंट गर्ल। कंट्रोल कंट्रोल उदय, नया स्लाइस है इतना थिक, नया स्लाइस है इतना थिक कि सोचोगे हाउ। वीडियो पर बात में आते हैं, पहले ये टेक्नोलॉजी किन हाथों में पड़ गई है, अगर इसको बनाने वाले को पता चल जाए तो वो बेचारा दोबारा जिंदा होकर खुदकुशी कर ले। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसका जेंडर क्या है, तो खैर इस तरह की चीजें ज्यादा बारिश होने पर जमीन में से निकलती हैं, और इस तरह की कमजोर दिल की मुर्गियां होती हैं जो अंडा देने से पहले ताकत का टीका जरूर लगवाती हैं। और दूसरी तरफ अगर ये वीडियो गलती से भी जिसने ऐड बनाया है उसने देख ली तो FIR करवाने के बाद उसको अपने इस प्रोजेक्ट से ही नफरत हो जानी है। हाथ मत लगा। हाथ क्यों ना ला बीबी, तू करंट मार दिया या फिर वापडा विच खंबे गिनने दी ड्यूटी है तेरी, एड्डी तू मिसिस इलेक्ट्रिसिटी बिजली दी दुकान तू जीरो दा बल्ब लई है ना, ओदी भी सेहत तेरे नाल चंगी हुंदी है। तुम जैसों की ना दिक्कत है। क्या क्या बोला तूने? तुम जैसों की ना दिक्कत है, जरा हंस के बात कर ली, तुम्हें लगता है लड़की सेट हो गई? ब्रा मेरी आपको किसने कह दिया कि आपसे कुछ सेट होगा या होगी? और अगर हर किसी को अपना अपना हम सफर मिल भी गया तो फिर भी आपको कल्ला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी कैटेगरी में फाल ही नहीं करती। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के बढ़ा, और ऐसी लिपसिंग तो टिकटॉकर भी नहीं कर सकते। और मजीद तहकीक करने से पता चला कि ये भी इंडिया का एलेक्स बट्टी है, जो का टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टा पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि बीमारी कभी भी और कहीं भी आ सकती है। यार का तो पता नहीं, मगर ये जरूर कोई थर्ड क्लास नशा करता, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर वो नॉर्मल ना भी हो तो ये सब करने के लिए उसका दिमाग घुटनों में होना जरूरी है। मानू खाना ये 21वीं सदी में लोग पत्ते कब से पहनने लगे? और भाई तू कर जो जी में आए कर, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कम अज कम इस तरह की हरकतें भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी।
और ये फैशन के नाम पर लड़के कब से लड़कियों के कपड़े पहनने लगे? कभी पाकिस्तान में इस तरह लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनते देखा है? ओहो सॉरी सॉरी, किसी ने ठीक ही कहा था कि भाई बगैरती करने के लिए किसी खास जगह से ताल्लुक होना जरूरी नहीं, ये कहीं से भी की जा सकती है और इन लोगों का कोई देश नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।